आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, खासतौर से NDA के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने साफ कहा है कि किसानों के साथ नीतीश कुमार कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने कृषि बिल पारित करने को लेकर बातें कही थी, इसको अभी तक पारित नहीं किया गया है। तो वहीं देखा जाए तो पिछले सत्र में ही हमने कहा था कि किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको देखते हुए कृषि बिल पास किया जाए। देखा जाए तो नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के सत्ता पर काबिज है, बिहार के मुख्यमंत्री है, और वहीं कभी भी 17 साल के बीच में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। अगर हिम्मत है, अगर अपने आप में उनको भरोसा है, तो वो कहीं भी अपना पसंदीदा क्षेत्र चुन ले और चुनाव लड़के देखे। जनता उनको बताएगी और दिखाएगी कि क्या वो कर सकते हैं। तो वहीं क्या कुछ कह रहे सुधाकर सिंह, वो सुने आप। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, खासतौर से NDA के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूँ सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उसे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा? कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है? नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर, लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप 4th कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे, कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप 4th कृषि रोड मैप लाने के लिए, लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया,
मैं तो आमंत्रित करता हूँ स्वस्थ बहस के लिए बिहार विधान। तो आपने सुन लिया, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। तो वहीं सुधाकर सिंह ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से मैं नीतीश कुमार से सवाल करता हूँ, नीतीश कुमार हमारे सवाल का जवाब नहीं देते हैं, नीतीश कुमार को पता ही नहीं रहता है, अगर कोई सवाल उनसे हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है। उनका यह साफ कहना है कि मुझे जनता ने जनप्रतिनिधि चुनकर सत्ता में बैठाया, विधायक बनाने का काम किया है, तो वहीं देखा जाए तो एनडीए के कैंडिडेट को मैंने हराया था और उसके बाद मैं विधायक बना हूं, जनता का जो मुद्दा होगा वो मैं लगातार उठाऊंगा। तो वहीं क्या कुछ कहते सुधाकर सिंह, आपने सुना है, सुधाकर सिंह ने चैलेंज कर दिया नीतीश कुमार को। सुधाकर सिंह ने यह साफ कहा है कि 17 साल में आपने चुनाव नहीं लड़ा है, इस बार जो चुनाव आएगा उसमें आप लड़के दिखाएं, जनता आपको बताने का काम करेगी आप कितना सक्षम है और क्या है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।